गुजरावाला में डेप्टी कमिश्नर सुहेल टीपू की पुरस्कार मौत, हाथ बंधी लाश घर में पंखे से लटकी हुई मिली। सुहेल टीपू वालदेन के साथ रहते थे। इत्तला मिलने पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंच गए। डेप्टी कमिश्नर सुहेल टीपू सारी रात जागते रहे। सिक्योरिटी गार्ड्स का पुलिस को बयान, कहा कि सुहेल टीपू फजर की नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में गए। तहकीकात के लिए दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी तलब। कानून की हुक्मरानी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हो, नवाज शरीफ कहते हैं। किसी इदारे से कुछ लेना देना नहीं। क्रिकेट की बहाली करने वाला आज कोर्ट में बैठा है। निगरान हुकूमत के लिए ऑपोजिशन को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। जुडिशियल मार्शल लॉ की बात वही कर सकता है जो मार्शल लॉ दौर का हिस्सा रहा हो। खुर्शीद शाह का कहना है, जुडिशियल मार्शल लॉ गैर आईनी होगा। अगर कोई जुडिशियल मार्शल लॉ का मशवरा मान ले तो बगावत के जुमरे में आ सकता है। इसाक डार के घर के लिए पार्क पर सड़क क्यों बनाई, किसके कहने पर पार्क को उखाड़ा गया? चीफ जस्टिस DGLDA पर बरहम। इसाक डार ने सड़क खुली करने का जुबानी कहा। DG का जवाब, माफी भी मांग ली, माफी का वक्त गुजर गया, फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, सजा भुगतना पड़ेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आयशान इकबाल हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात, ख्वाजा साद रफीक पेश ना हुए। वकील के जरिए नैब से अगली तारीख मांग ली। अमेरिका में नामजद पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की नैब में पेशी। कंपनियों पर करप्शन का इल्जाम के सिलसिले में पूछगछ। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कसूर जाली मुकाबला केस की समाप्त, तमाम मुलजिमों को पेश कर दिया गया। मुदस्सर को मुबैना मुकाबले में मारने की रिपोर्ट तैयार करने वाले एडिशनल IG अबू बकर खुदा बख्श को साबिका औहदे पर बहाल करने का हुक्म। कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीम महसूद कत्ल केस की समाप्त, DSP कमर अहमद समेत 10 पुलिस अहलकार पेश। रावनवार को पहले न लाया गया, फिर जज के हुक्म पर पेश किया गया। साबिक वजीर कानून सिंध और रुकन कौमी असेंबली आयाज सोमरू की मैयत कराची से लाड़काना पहुंचा दी गई। म्यूनिसिपल स्टेडियम में नमाजी जनाजा अदा की जाएगी। रेनाला खुर्द में अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। पसंद की शादी करने वाली लड़की बयान देने आई तो अहले खाना ने हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़कर लड़की अगवा करके ले गए। एयरशी मार्शल मुजाहिद अनवर की नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया के सरबराह से मुलाकात। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने फजाया की कमान संभालने पर मुबारकबाद पेश की। और कराची में PSL फाइनल की तैयारियां, शहरी बड़ा मुकाबला देखने के लिए पुरजोश। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्द में 25 मार्च को मद्दे मुकाबले होंगे।